श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम भोलेनाथ जी को पंचामृत से नहलाएंगे। भगवान को पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी और शहद मिलाया जाता है और पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम भोलेनाथ जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से भोलेनाथ का स्नान कराया जा रहा है पंचामृत से। ये जलाधारी को स्नान कराया जा रहा है। आगे गणेश जी का स्थान है, कार्तिक जी का। ये माता जी का हस्तकमल है और ये नाग देवता को भी अच्छे से मसल मसल कर नहलाया जा रहा है। ये देखिए, एक भाव ही अलग होता है पंचामृत से नहलाने का। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान कराएंगे और ये शुद्ध जल से स्नान कराएंगे हम भगवान को। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, देखिए बहुत अच्छे से हम भगवान को नहलाएंगे। ये देखिए, अब आप जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर और नर्मदा जी का, आप कोई सी भी पवित्र नदियों का जल मिलाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हमने साफ, बिल्कुल भोलेनाथ जी को अच्छे से नहलाकर अब हम शुद्ध जल चढ़ाएंगे और भोलेनाथ जी का अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। ये भोलेनाथ जी को त्रिपुण लगाया है चंदन का और बीच में हमने लगाया है लाल चंदन और ये बेलपत्र की माला पहनाई है और भोलेनाथ जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया है। फिर से हम त्रिपुण अच्छा बना देंगे, बहुत ही सुंदर है। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।